तो आज मैं सरवाइव करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक, लेकिन ये कोई नॉर्मल वन ब्लॉक नहीं है। मेरे को इसमें करने पड़ेंगे कुछ चैलेंजेस, जैसे कि मुझे कमेंट्स में से कोई भी एक रैंडम डेयर को पिक करना पड़ेगा और वो कंप्लीट करना पड़ेगा, और अगर मैं वो कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ तो फिर मुझे अपनी पूरी इन्वेंट्री खाली करनी पड़ेगी। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना वन ब्लॉक और अपना फर्स्ट ब्लॉक तोड़ते हैं। और जिनको नहीं पता, ये जो ब्लॉक होता है वो इनफाइनाइट होता है, इनमें से बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, जैसे कि अभी मेरे को डर्ट मिला और फिर उसके बाद वुड मिला, और यहाँ पे चेस्ट भी मिलती रहती है, और चेस्ट में मुझे एग्स और एप्पल्स मिली। एक सेकंड, मैं अपना थोड़ा आइलैंड बड़ा कर लेता हूँ ताकि मैं आपसे यहाँ से गिर ना जाऊँ। वैसे तो ये जो ब्लॉक्स है वो अपने को स्लैब से बनाने चाहिए, लेकिन मेरे पास अभी इतनी वुड नहीं है, इसलिए मैं ऐसे नॉर्मली वुडन प्लैंक्स लगा रहा हूँ। और जैसे जैसे अपन माइन करते जाएंगे वैसे वैसे अपने को वुड्स भी मिलती जाएगी, तो फिर करता हूँ मैं माइनिंग। और यहाँ पे फाइनॉक्स गेमिंग का छोटा भाई भी आ गया है। माँ भाई, इन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। भाई तू साइड में हो जा, भाई गिर मत जाना, बस तू पहला सुअर है अपने गेम का। अब ऐसे घूर क्या रहा है, अभी उड़ाऊं क्या तेरे को यहाँ से। और यहाँ पे एक और चेस्ट मिल चुकी है जिसमें ओक सैपलिंग और ये एग है, मैं इसको भी तोड़ता हूँ और देखते हैं अपने को क्या मिलता है। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, क्राफ्टिंग टेबल तो मैंने बना ही लिया, अब थोड़ा सा आइलैंड को बड़ा करते हैं ताकि मेरे पास बहुत सारी जगह हो जाए। उसके लिए मेरे को स्लैब्स बनाने पड़ेंगे, और मैंने यहाँ पे 36 स्लैब्स बना लिए हैं। अब फटाफट से बड़ा करते हैं आइलैंड को। अब मैं यहाँ पे और ज़्यादा माइनिंग करने पे लग जाता हूँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा अपन माइनिंग करेंगे उतने ज़्यादा रिसोर्सेज मेरे को मिलते जाएंगे। एक सेकंड, मैं अपनी चेस्ट में भी थोड़ा सामान स्टोर करा लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं बाय चांस गिर भी गया तो फिर मेरा इतना लॉस नहीं होगा। अब वैसे तो स्टार्टिंग में सिर्फ वुड्स और डर्ट मिलेगी और कुछ मॉब्स, मतलब ये एनिमल स्पॉन होते रहेंगे जिसको अपन को फार्म करना पड़ेगा। और एक सेकंड, तो यहाँ पे ग्रेवल गिरी थी आई थिंक, यहाँ पे अब वाटर बकेट मिलने वाली है ताकि, हाँ यहाँ पे ग्रेवल ड्रॉप हुई थी, अब शायद से नीचे इसके एक ब्लॉक प्लेस करना पड़ेगा। हाँ सही कह रहा था मैं, तो अब मुझे यहाँ पे वाटर प्लेस करना पड़ेगा और इसके नीचे जाके मुझे एक ब्लॉक प्लेस करना पड़ेगा ताकि ग्रेवल जो है वो नीचे ड्रॉप ना हो और अपने को मिल जाए। अब यहाँ से जो ग्रेवल आएगी वो नीचे नहीं गिरेगी, तो जो कि सही चीज़ है। अब देखो जैसे ग्रेवल है वो यहाँ से नहीं गिरी है, तो अपने ग्रेवल काम आ सकती है बाद में फ्लिंट लेने के लिए। यहाँ पे एक और चेस्ट स्पॉन हुई, और चेस्ट स्पॉन होते ही पता नहीं विलेजर की आवाज़ आई थी, और इसमें वुड्स है और एक टॉर्च भी मिली है, पता नहीं टॉर्च का, आई थिंक रात को ज़ॉम्बी स्पॉन होंगे यहाँ पे, तो ज़ॉम्बी से भी हमको बचना पड़ेगा। उसके लिए मैं अपने लिए यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे स्टेजेस होती है, उस स्टेजेस को कंप्लीट करते हैं तो नई नई लेवल्स और स्टेज अपग्रेड होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेज में क्या आता है। यहाँ पे तो वही डर्ट आ रही है अभी भी, आई थिंक स्टोन आ जाएगा अभी, मेरे को पता नहीं। तो मैं क्या सोच रहा था ना कि अपने पास एक ओक सैपलिंग है, तो मैं अपने आइलैंड को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और आगे मैं डर्ट लगा देता हूँ ताकि मैं जो भी फार्मिंग का सामान है वो मैं कर सकूँ, और ये जो सैपलिंग के ट्रीज़ है वो भी मैं ग्रो कर सकूँ। ओके, यहाँ पे मैंने अपना थोड़ा डर्ट का अजीब सा ही कुछ बना दिया, पता नहीं क्या है ये। मैं यहाँ पे बस, मेरे को तो सैपलिंग लगानी है, और यहाँ पे वीट भी आती है तो वीट भी ग्रो कर लेंगे। फटाफट से थोड़ी माइनिंग कर लेते हैं क्योंकि इस गेम में माइनिंग ही माइनिंग है। और यहाँ पे क्ले भी मिल गई, पता नहीं क्ले का क्या काम आएगा बाद में। मेलन्स को तो अपन खा सकते हैं, लेकिन क्ले आई थिंक विलेजर से ट्रेड कर सकते हैं, मुझे क्या पता। और यहाँ पे एक और फाइनॉक्स गेमिंग आ चुका है। एक सेकंड, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, क्या पता ये चलते चलते सुअर यहाँ पे गिर जाए। और मेरे को इन सुअरों के लिए रहने के लिए भी कुछ जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मैं माइनिंग करूँगा, यहाँ पे अपनी फार्मिंग होगी और वहाँ पे ये सुअर लोग रहेंगे। तो फटाफट से मैं एक सुअरों के लिए भी जगह बना देता हूँ ताकि ये लोग गिरे ना। ओके, तो मैंने यहाँ पे बना दिया है, और वहाँ पे एक ट्री भी ग्रो हो गया। मैं फटाफट से पहले ट्री तोड़ लेता हूँ, बाकी बाद में अपन माइनिंग कर लेंगे। भाई ये क्या कर रहे हैं, तुम अंदर जाओ ना, तुम वहाँ जाओ भाई, तुम हटो यहाँ से, अंदर चलो, अंदर चलो, वरना मैं अभी फाइनॉक्स गेमिंग को बुला लूँगा। चलो अंदर चलो। और रात भी हो गई, चलो कोई बात नहीं, रात तो होती रहेगी, मेरे को तो बस माइनिंग करना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा अपन माइनिंग करेंगे ना उतने ज़्यादा रिसोर्सेज अपने को मिलते रहेंगे। और सारे आइटम्स मैंने अपनी चेस्ट में रखवा लिए, क्योंकि गलती से अगर मैं मर गया तो मेरा सारा सामान चले जाएगा। और ये सुअर यहाँ पे क्यों आ रहा है, वहाँ जाना सुअर, फाइनॉक्स गेमिंग को बुलाऊँ क्या, वहाँ जा चुपचाप, वहाँ जा। ओके, यहाँ पे मेरे को एक और काऊ मिल गई है, अब इसको भी मैं भाग कर देता हूँ, क्योंकि अभी इनका मैंने वो बनाया नहीं है फेंस से, मेरे पास वुड्स तो है, आई थिंक बना लेना चाहिए मेरे को। ओके, मैं बना लेता हूँ,
चलो अंदर चलो, तुम पहले डुक कर, तू अंदर चल पहले फटाफट, चल अंदर चल अंदर चल, लेट्स गो। मैंने इन तीनों को यहाँ पे अंदर डाल दिया है, अब मैं फटाफट से माइनिंग पे लग जाता हूँ अपना, क्योंकि जितना ज़्यादा हम माइनिंग करेंगे उतनी ज़्यादा रिसोर्सेज अपने को मिलती रहेगी और अपन नेक्स्ट स्टेज पे पहुँच जाएंगे। और तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैं अभी तक टूल्स क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि टूल्स मैं बनाऊंगा वुडन के, और वुडन के टूल्स इतने ज़्यादा फास्ट माइनिंग नहीं करते, और वुडन के टूल्स बनाने से अच्छा है कि मैं हाथ से ही माइन कर लूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा। और कैरेट्स मैं इन सुअर को खिला सकता हूँ, लेकिन मैं अभी इन सुअर को कैरेट्स नहीं खिलाऊंगा, क्योंकि मैं कैरेट्स को ग्रो कर लेता हूँ ताकि मेरे को और कैरेट्स मिले, और फिर बाद में जब और कैरेट्स आएगी तब मैं इन सुअरों को ब्रीड करवाऊंगा ताकि मेरे को और खाना मिल सके। तो फटाफट से मैं इस कैरेट को यहाँ पे ग्रो कर देता हूँ, और इस टॉर्च को भी तोड़ के यहाँ लगा देता हूँ ताकि इन पेड़ों को भी धूप मिल सके। अब मेरे पास पेड़ों को उगाने के लिए जगह कम पड़ रही थी, तो मैं अपना डर्ट का आइलैंड थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। उसके बाद मेरे को मिलती है दो क्यूट सी चिकन्स। ओ भाई चिकन्स आ गई, लेट्स गो। आज तो तुम दोनों का चिकन लेग पीस बनाऊंगा, देखो आज तो तुम दोनों देखो, और जो भी सब्सक्राइब करेगा ना उसको एक चिकन लेग पीस मिलेगी। तो जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब करो। और यहाँ पे एक और सुअर स्पॉन हो गया है, और मैंने गाजर को भी लगा दिया है। ये गाजर के पास क्यों जा रहा है भाई, पागल हो गया क्या, गिरना है क्या तेको? अभी फाइनॉक्स गेमिंग को बुला लूंगा, ज्यादा उड़े मत मेरे सामने, एक धक्का मारूंगा ना मरेगा भी। निकल ले यहाँ से। और एक और चेस्ट आ गई, इसमें मेरे को सीड मिल गया, लेट्स गो लेट्स गो। फटाफट से मैं शीप को ले आता हूँ और एक फेंस गेट बना लेता हूँ ताकि मेरे को उसको तोड़ने में ज़्यादा वो नहीं हो। शीप्स अंदर आ जा, अंदर आ जा। शीप्स नहीं, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, ओह इतना बड़ा ट्री ग्रो हो गया भाई, किस्मत है अपनी। अंदर आओ ना, क्या कर रहे हो, पागल हो गए क्या? लेट्स गो। देखा फंस गए ना तुम मेरे चाल में, ऐसे ही थोड़ी ना लोग मेरे को प्रो बोलते हैं भाई, ऐसे ही थोड़ी ना प्रो हूँ मैं। फटाफट से मैं ये तोड़ लेता हूँ, अच्छी बात है मैंने एक्स बना ली। मैं यहाँ पे हो से इसको वो कर देता हूँ ताकि मैं सीड्स को ग्रो कर सकूँ। एक और काव आ गई, लेट्स गो। बस एक बार वीट ग्रो हो जाए फिर मैं इन दोनों को ही साथ में लेके जाऊँगा, और तुम तब तक साइड में हो जाओ यार, बीच में क्यों आ रहे हो मेरे काम के, जो बीच में आता है ना एक धक्का मारूंगा ना तुम ऐसा नीचे जाके गिरोगे, रोगे, भीख मांगोगे मेरे सामने। चलो अंदर चलो तुम। एक और शीप आ गई है, एक दो तीन शीप अपने पास हो गई, तो एक को शायद मार दूंगा तो कुछ होगा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, अपन फालतू में जानवरों को कोई क्यों ही मारे। अगर तुम एक एनिमल लवर हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि मैं भी एक भी एनिमल्स को नहीं मारने वाला। और यहाँ पे एक सैपलिंग ड्रॉप हुआ था, इसको भी प्लेस कर देता हूँ, और फटाफट से मैं लग जाता हूँ अपने डर्ट आइलैंड को बड़ा करने में। ओके डर्ट आइलैंड मैंने बड़ा कर दिया, और ये एक और मेरे को सैपलिंग मिल गई, दो और सैपलिंग मिल गई, इनको भी लगा दिया। अब फटाफट से मैं माइनिंग करने लग जाता हूँ, और मैं क्या सोच रहा हूँ अपने ये जो वुडन वाला आइलैंड है इसको भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि वुड्स की तो बिल्कुल भी कमी नहीं लग रही मेरे को अभी। तो जितनी वुड्स है उसकी आधी वुड्स का मैं प्लैंक बना लेता हूँ, और 62 मतलब दो स्टैक मेरे पास हो गए। ये देखो गाइस मैंने अपना आइलैंड को थोड़ा सा बड़ा कर लिया है यहाँ पे, और ट्रीज भी यहाँ पे ग्रो गए हैं। और तुम कमेंट्स करके बताओ कि मेरे को आइलैंड पे क्या क्या बनाना चाहिए। एक काम करता हूँ मैं अपना सारा आइटम स्टोर कर लेता हूँ और एक बार मर जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी खाना तो है लेकिन मैं नहीं चाहता मेरा खाना फालतू में वेस्ट हो, मैं यहाँ पे एक बार मर जाता हूँ। ओके लेट्स गो। और जैसा कि तुम देख सकते हो मेरा खाना और फुल हो चुका है, और रेजिस्टेंस 5 भी मेरे को मिल गई है 5 सेकंड के लिए। एक और चेस्ट आ गई, और इसमें एप्पल और ये मिला है। और एक काम करता हूँ मैं इसको ना यहाँ लगा देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं ग्रास ब्लॉक, ताकि जितनी भी सारी ग्रास है ना यहाँ पे वो सारी ग्रास ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाए। और इन 5 सैपलिंग को भी लगा देता हूँ, भाई कितनी सारी सैपलिंग हो गई। आई थिंक डर्ट आइलैंड को भी और बड़ा करना चाहिए, लेकिन मेरे पास बिल्कुल डर्ट नहीं बची अभी। डर्ट भाई अब रेयर हो चुकी है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे फिर से 20 सेकंड्स का टाइमर आ चुका है, मतलब अपन थर्ड स्टेज पे पहुंचने वाला है। तो आई गेस आज के एपिसोड के लिए इतना काफ़ी है। अगर तुमको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो फटाफट से मेरे को कमेंट में बताओ कि मेरे को नया एपिसोड डालना चाहिए या नहीं, और अगर मेरे को इसमें अच्छा रिस्पांस आएगा तो ही मैं ये सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा। तो फिर मैं मिलता हूँ तुमको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए